वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं मेलिंग टैब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इसके पहले होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस टैब का वीडियो बन चुका है, तो आज मैं मेलिंग टैब का वीडियो बनाऊंगा। मेलिंग टैब जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है। इसके अंतर्गत हमें बहुत सारे कामों को कम समय में कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए किसी का ज्वाइनिंग लेटर है किसी खास डिपार्टमेंट का, उसे चाहते हैं कि सभी लोगों का ज्वाइनिंग लेटर हमें एक लेटर के द्वारा भेजना है, बाकी सारे कंटेंट लेटर के सेम है, सिर्फ नेम और उसके डिटेल्स चेंज है, तो उसे हम लोग क्विक कैसे कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा। और जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, एक क्रिएट टैब है, इसके अंदर इनवेलप और लेवल्स है। इनवेलप जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को या किसी भी लेटर या किसी भी डाटा को हम लोग अगर इनवेलप में डाल के भेजना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम एक एड्रेस सेंडर का और एक रिसीवर का एड्रेस भेजते हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने एक डाटा से उसे इनवेलप में फिट कर लें या हम लोग अपना मैनुअली इनवेलप बना लें, तो इसके लिए हम लोग इनवेलप का यूज करते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं लेवल्स। लेवल्स जनरली स्टिकर बनाने के यूज़ में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ गौर करवाना चाहता हूँ, उस पर ध्यान दें। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे चार ऑप्शन इनेबल है, बाकी और इधर के जो ऑप्शन है ये डिजेबल है। ये ऑप्शन जो होते हैं को रिलेट है एक दूसरे से। जब इधर का मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट करूँगा तो फिर इधर ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ इनवेलप का। इनवेलप पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इनवेलप पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप जिसे भेजना चाहते हैं, जहाँ पर डिलीवरी करना चाहते हैं, उसका एड्रेस लिख सकते हैं, और अगर वहाँ पे डिलीवर्ड नहीं हो तो रिटर्न में आप एड्रेस लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिख कर रखा है। मान लीजिए मुझे डिलीवरी करना है स्टेशन रोड में किसी को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको टू, इंटर दबा रहा हूँ, लिख देता हूँ पटना जंक्शन, पटना 801 पिन कोड। और मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखता हूँ कि हम लोगों के सामने प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, एड टू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में एड कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ई पोस्टेज प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग अगर चाहे तो इसको प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं हमारा इनवेलप प्रिंट कैसे होगा या हम लोगों को अपना प्रिंटर में इनवेलप कैसे लगाना है। हम लोग यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनवेलप का साइज आ गया। तो जनरली स्टैंडर्ड साइज जो होता है साइज 10 होता है, या अपने आवश्यकता अनुसार आप अपने साइज को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एज बाय डिफॉल्ट रखता हूँ। यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस जो है इसमें फॉन्ट है। डिलीवरी एड्रेस में देखिए आप चाहे तो यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कैसा रखना चाहते हैं उसका साइज भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जैसा आप चाहे उस प्रकार का यहाँ पे आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करता है आपको किस प्रकार का रखना है, ठीक है। चलिए मैंने इस तरह का एड्रेस यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ पे ओके कर दिया, ये फॉन्ट हमारा चेंज हो गया। अब रिटर्न एड्रेस में देखिए कैसा रखना है, तो रिटर्न एड्रेस में भी आप चाहे तो अपने अनुसार रख सकते हैं। चलिए मैंने मोनोटाइप कुर्सीवा रख लिया और मैं यहाँ पे बोल्ड इटैलिक कर दे रहा हूँ और मैं इसको साइज कर दे रहा हूँ 28। ओके कर दिया, तो मैंने यहाँ से फॉन्ट का साइज भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंटिंग का ऑप्शन है। आप जब प्रिंटर में पेपर लगाते हैं तो उसका देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेपर लगाना है, किस पोजीशन में, आप यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार या आपके प्रिंटर में जिस प्रकार से आपको सुविधा लगे उस प्रकार से अपना लगा सकते हैं। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक फेस अप एक फेस डाउन। यहाँ पे फेस डाउन पे क्लिक करते हैं, जो इनवेलप का फोल्ड हो गया पार्ट आप इस पर प्रिंट करना चाहते हैं या फेस अप पे। तो जनरली कोई भी मैटर फेस अप पे रहता है, आप चाहे तो फेस डाउन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने जो फॉन्ट लगाया था यहाँ पे इस टाइप का फॉन्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब सिंपली हम लोगों को यहाँ करना है एड टू डॉक्यूमेंट। जैसे ही एड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारा इनवेलप बन के तैयार हो गया है। चलिए मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं ये वाले को हटाएं, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, जैसा कि आपको फोर साइडेड एरो दिख रहा होगा, यहाँ से आप अपने अनुसार भी पोजीशन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि इनवेलप बनाना कितना आसान है, आप अपने आवश्यकता अनुसार इनवेलप को बना सकते हैं,
ठीक है। तो ये हमारा फ्रॉम रिटर्न एड्रेस हो गया और ये रिसीवर्स के लिए टू हो गया, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग लेवल्स के ऊपर। लेवल्स में जनरली स्टिकर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे ही लेवल्स में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हम लोगों के सामने एक पेज ओपन हो गया है। इस पर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से कोई भी एड्रेस को हम लोग यहाँ पे टाइप करके भर लिए, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ नेम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, सेक्शन कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जिस प्रकार का भी आवश्यकता है उसके अनुसार यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो जनरली चलिए हमको स्टिकर बनाना है, तो 30 पर पेज पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे ओके का ऑप्शन इनेबल है, इसको क्लिक किया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, देखिए हमारे सामने इस प्रकार का 30 स्टिकर बनके तैयार हो गया। जबकि आप देखते होंगे बच्चे लोगों का जो स्कूल का जो बुक होता है उसके कवर पेज के ऊपर वो लिखना पड़ता है उसको, तो नेम, रोल नंबर, तो इसके स्टिकर भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो आप इसका जो स्टिकर के रूप में आप चाहे तो प्रिंट आउट कर सकते हैं और इसे आप बना सकते हैं। तो जनरली लेवल्स का ये यूज होता है और आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ पे कोई भी और डाटा फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि मूवी का टिकट बनाना है सिनेमा हॉल में, तो वो इसको डिजाइन कर लेंगे इस तरह से और वो लेवल में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने आवश्यकता अनुसार है, या कोई भी टोकन दे रहे हैं, या कहीं होटल में आप जा रहे हैं वहाँ पे मनी रिसिप्ट हो रहा है, या जितना भी डाटा है आप उसके अकॉर्डिंग अपना लेवल्स में सेट कर सकते हैं। बस आप समझ लीजिए कि ये इस प्रकार से 4-5 कॉलम में आप बना सकते हैं, ठीक है, या आप इसे किसी भी तरह डाटा से फिट करके कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग देखिए हम लोगों के पास यहाँ पे है स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन। स्टार्ट मेल मर्ज में यहाँ पे लेटर पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को टाइप करने के लिए कर्सर यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए मैं इसे बंद करके एक नया पेज को ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे एक नया पेज ओपन कर लिया। जैसे स्टार्ट मेल पर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए लेटर का ऑप्शन है। लेटर यानी कि आप कोई भी लेटर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। चलिए मैंने लेटर पहले से टाइप करके रखा है, मैं उस लेटर को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। चलिए आप लोगों के सामने यह एक लेटर है, यह एक ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग लेटर जो है बहुत सारे कैंडिडेट को भेजना है और सिर्फ इसमें उसके नाम, पोस्ट, ईमेल एड्रेस, कौन सा लोकेशन है उस पर भेजना है। बाकी लेटर का ये बीच का कंटेंट सारा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ नाम जो है यहाँ पे मैंने इसे बोल्ड रखा है, सिर्फ वहाँ पे इसका नाम डाला जाएगा, बाकी कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। तो मैं बल्क में एक साथ कैसे बना सकता हूँ इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको कुछ बातों को ध्यान देना है, जहाँ पर मैं बताऊँगा उसको आप अच्छे से सुनेंगे। चलिए जैसे ही स्टार्ट मेल मर्ज पर हम लोग क्लिक करते हैं, तो स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लेटर था, लेटर मैंने बना लिया। ईमेल मैसेज पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो ईमेल मैसेज इस तरह का होता है, तो इसमें इस तरह से ये दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनवेलप है, आप चाहे तो यहाँ से इनवेलप भी बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बना के दिखाया है। लेवल्स है, यहाँ पे लेवल्स भी आप बना सकते हैं। डायरेक्टरी का वैसा कुछ खास यूज़ है नहीं ये डायरेक्टरी का, ठीक है। और इसके बाद देखिए नॉर्मल टू वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये नॉर्मल पेज में ही खुला हुआ है। तो इसमें मेन जो काम है हम लोगों के पास, यहाँ पे देखिए स्टार्ट मेल मर्ज में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड है। इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, हम लोगों के सामने देखिए मेल मर्ज का एक पेन ओपन हो गया है। इसमें लिखा हुआ है लास्ट में देखिए नीचे स्टेप 1 of 6, यानी कि 6 स्टेप हम लोगों को करना है मेल मर्ज में। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेल मर्ज करना, तो हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए 2 of 6 आ गया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे 3 of 6 आ गया, फिर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखिए जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोगों को बोलता है कि आप डाटा सोर्स यहाँ से दीजिए, यानी कि मेल मर्ज कर रहे हैं तो हम लोगों को डाटा दीजिए। तो हम लोग डाटा पहले से यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल में बना के रखा जो कि एक एक्सेल शीट में है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो हमको पूछ रहा है एक्सेल शीट 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3। तो मैंने शीट 1 में बना के रखा डाटा, तो मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया तो हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुल गया, हम इसमें से जितने डाटा चाहेंगे तो उतना ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ डाटा मैंने यहाँ फिल कर रखा है, कुछ डाटा यहाँ पे मैंने फिल नहीं किया। तो चलिए मैं टोटल लेता हूँ, फिर मैं इसको एडिट करके भी बताऊँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सिंपली ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया तो अब देखिए यहाँ पे और स्टेप है, 4 स्टेप, प्रीव्यू योर लेटर्स, ठीक है,
फिर इसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट मर्ज, यहाँ तक मैंने क्लिक कर दिया, फिर मैं इसको पेन को बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रीव्यू रीजन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस आ गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ग्रीटिंग लाइंस आ गया, ठीक है। तो चलिए मैं इस वाले को पहले एक बार डिलीट कर देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट ले लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट है, यहाँ पे ये सबसे इधर साइड किया तो 1 हो गया, सबसे इधर किया तो 20 हो गया, ठीक है, यानी कि 20 यहाँ पे डाटा मेरा है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ जिसको ज्वाइनिंग लेटर भेजना है, डियर सर और मैडम, मेल या फीमेल हो, तो मैं यहाँ पे कर्सर को पोजीशन करूँगा। कर्सर पोजीशन करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करूँगा, यानी कि मैं यहाँ पे क्या फील्ड करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे नेम, नेम देखिए यहाँ पे आ गया, क्यों, प्रीव्यू रिजल्ट मैंने कर रखा था इसलिए यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे गया मैंने इंसर्ट पे, जो जो यहाँ पे मैंने बना के रखा, फिर मैं यहाँ कर्सर को रखा, फिर यहाँ पे गया, फिर ईमेल था तो ईमेल डाल दिया, फिर यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है तो यहाँ पे गया मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया, फिर यहाँ पे गया एड्रेस है तो मैंने कर्सर यहाँ ले आया, फिर यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक कर दिया, पोस्ट था फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पोस्ट वाले पे क्लिक कर दिया, डिस्ट्रिक्ट था मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, फिर यहाँ पे स्टेट है मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टेट डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पिन डालना था मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया। चलिए मैं स्टेट को नीचे लेके आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसे नीचे लेके आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाम लिखना ज्वाइनिंग लेटर जिसको, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे मैं इंसर्ट पे गया, यहाँ पे मैंने नेम पे लिख दिया, क्लिक कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे देखिए और सब भी ऑप्शन है, यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एडिट रिसेप्शनिस्ट लिस्ट है, जैसे कि लिस्ट में हम चाहे किसी को एडिट करना चाहते हैं, किसी को हटाना चाहते हैं, यहाँ से हम चाहे उसको तो स्किप करके हटा सकते हैं, ऑल को हटा सकते हैं, या पार्टिकुलर एक एक करके भी चेक ऑफ ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, ओके कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नंबर 1 पे। अब मुझे यहाँ पे डाटा शो करना है ना, मुझे डाटा शो करना, तो यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आ गया डियर सर और मैडम राकेश वत्स, पोस्ट का नाम इसका दे दिया, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस इसका यहाँ पे आ गया। फिर जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, देखिए दूसरा डाटा दूसरे स्टूडेंट का आ गया, तीसरे का आ गया, इस तरह से देखिए एक ही बार मैंने डाटा बनाया, और एक ही बार डाटा बनाने के बाद फिर ये अपने आप इसमें फिट हो जा रहा है, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता जाता हूँ, यहाँ पे देखिए डाटा हमारा फिट होता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा डाटा जो बना हुआ था वो 19 तक ही है, बाकी ये देखिए 20 21 ये ब्लैंक है, क्योंकि मैंने इसमें डाटा नहीं बना के रखा था। देखिए मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से ये ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो ब्लैंक डाटा वो हट जाए, तब यहाँ पे देखिए एडिट रिसेप्शन लिस्ट है, तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं चेक ऑफ कर दे रहा हूँ। चलिए अब जिसमें मैंने डाटा यहाँ देखा कंप्लीट भर के रखा है, सिर्फ मैं इसी को चेक ऑन करता हूँ, ठीक है, वही डाटा आएगा जो मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें कुछ ऐड कर रखा था जो ब्लैंक कॉलम भी था, ठीक है, मैंने वो डाटा पूरा फिट नहीं किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके क्लिक किया, ठीक है, अब देखिए जो भी डाटा है यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ वही डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए 19 के बाद यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो रहा। अब इसी का ज्वाइनिंग लेटर ये जो है ये सारे को प्रिंट करना है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेल मर्ज कर रखा है, प्रिंट करना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को फिनिश एंड मर्ज है, इस पर क्लिक किया, प्रिंट डॉक्यूमेंट आया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो रिकॉर्ड, तो यहाँ पे करेंट रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा, तभी जो करेंट हमारे सामने ये दिख रहा है विक्रम कुमार, इसका प्रिंट होगा। अगर मैं चाहूँ डाटा सीरियली 1 से 10 तक निकालना है प्रिंट, 1 से 10 क्लिक करूँगा, अगर ऑल निकालना है तो ऑल पर क्लिक करके मैं बस ओके कर दूँगा, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। चलिए यहाँ तो मेल मर्ज मैंने कर लिया, लेकिन बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये डाटा कहाँ से फिट किया गया, ठीक है, तो ये डाटा कहाँ से आया है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ को समझिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने एक एक्सेल शीट पे, सिंपली ये जो टाइटल है आपको जो बोल्ड दिख रहा है, मैंने टाइटल को बोल्ड करके ये सारा डाटा को मैंने यहाँ पर बना लिया, मैंने ये डाटा को सारा बना लिया और सिंपली इसको मैंने सेव कर लिया।
सेव कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए जेड मेल मर्ज एक्सेल के नाम से मैंने सेव कर लिया है। तो यही फाइल को मैंने क्या किया ना एमएस वर्ड में मेल मर्ज में अपलोड कर दिया, यानी कि उसको लोड कर दिया, यहीं से डाटा को मैंने लिया है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सिलेक्ट रिसिपेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे आप तीन तरह से डाटा को बना सकते हैं, एक टाइप न्यू लिस्ट करके बना सकते हैं, एक यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट से बना सकते हैं, एक सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट से बना सकते हैं। तो मैं इन दोनों में से अपर और लोअर से ज़्यादा प्रेफर जो होता है मैं एक्सेल सीट को करता हूँ, इसलिए मैंने यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक किया मैंने, क्योंकि ये पहले से डाटा मैंने बना कर रखा था। ठीक है, यूज एग्जिस्टिंग लिंक पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे एक एक्सेल शीट था सिंपली, इसको क्या किया मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया था, बाकी और कुछ भी मैंने नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट रिसिपेंट से यहाँ पे आप लोग जो किए, तो इसी के बगल में देखिए एक एडिट रिसिपेंट लिस्ट है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे और भी लिंक जो है यहाँ पे दिया हुआ, जो चेकआउट किया हुआ है यहाँ पे, आप चाहे तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, ताकि ये जो है हमारा डाटा जितना हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं उतना ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों के सामने, जिसे हम लोग सिंपली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना कैसे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित बातें। ज्वाइनिंग लेटर तो मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ज्वाइनिंग लेटर जो है मैं भेजूँ, तो इसके लिए अलग से इनवेलप हमें नहीं बनाना पड़े, इसका नेम वाइज भी इनवेलप हो। तो इसके लिए देखिए अब मैं यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे इनवेलप लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे इनवेलप पे क्लिक करूँगा। इनवेलप पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया और यहाँ पे बोला इन ऑर्डर टू अप्लाई इनवेलप ऑप्शन, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का डाटा आ गया। ठीक है, फ्रॉम हो गया। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे इनवेलप में इस प्रकार यहाँ से पोजीशन कर लेता हूँ। पहले पोजीशनिंग करने के बाद मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इंसर्ट फील्ड कर लेता हूँ। यहाँ की इंसर्ट फील्ड में मैंने नेम कर लिया, चलिए यहाँ प्रीव्यू शो रिजल्ट थोड़ा इसको हाइट कर दे रहा हूँ, नेम कर लिया, इंटर दबाया। फिर नेम के बाद मैंने यहाँ पे कर लिया एड्रेस कर लिया, फिर मैंने इंटर दबाया, फिर एड्रेस के बाद मैंने यहाँ पे पोस्ट कर लिया, फिर इंटर दबाया, फिर इसके बाद मैं कर ले रहा हूँ नेक्स्ट का पोस्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर मैंने यहाँ पे इंटर दबाया, फिर मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ स्टेट, फिर यहाँ पे इंटर दबा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे इंसर्ट फील्ड में पिन कोड। जैसे मैंने इतना डाटा भर लिया, मैं चाहता हूँ अब इसका प्रिंट भी मुझे मिल जाए। तो चलिए मैं चला आता हूँ सबसे पहले पेज पर, फिर यहाँ पर मैं व्यू रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने व्यू रिजल्ट पर क्लिक किया, देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ गया है। तो आप यहां से नेक्स्ट करके भी आप फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पे फिनिश हो गया, तो आप यहां पे भी प्रिंट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, यानी कि जितने भी इनवेलप है इसको आप यहां से इजिली प्रिंट कर सकते हैं। सेम एक ही एक्सेल शीट से आप इनवेलप भी प्रिंट कर सकते हैं और आप ज्वाइनिंग लेटर भी बना सकते हैं। घंटों की कामों को आप मिनटों में कर सकते हैं। तो मेलिंग टेप का बहुत ही अच्छा यूज है, आप लोगों को इसका यूज समझ में आना चाहिए और इसे प्रैक्टिकली आपको करना भी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।